गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका केयरिंग फॉर योर कंप्यूटर। जैसे आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वायरसेस से हो, चाहे वो इंटरनेट से आ रहा हो, चाहे वो आपकी पेन ड्राइव से आ रहा हो, चाहे आपके फ़ोन से आ रहा हो, हार्ड डिस्क से आ रहा हो, चाहे आपकी अटैचमेंट फाइल से आ रहा हो, चाहे डस्ट से आ रहा हो, हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स को हार्म होता ही है। और इन सब को से हमें अपने कंप्यूटर को बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने कंप्यूटर को लॉन्ग लाइफ चला सकें। सो डैशबोर्ड में देखिए क्या लिखा है। कंप्यूटर हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कि सबसे हमारा जो कंप्यूटर है हमारी पार्ट का बहुत ही अहम हिस्सा है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कंप्यूटर। कि हम बिना कंप्यूटर के अपनी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेव इनसाइड कंप्यूटर, एंड इन केस एनीथिंग हैपन्स टू देम वी मे लॉस ऑल द इम्पॉर्टेंट डाटा। कि हम जानते ही हैं हम कि हम कंप्यूटर के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं सेव करके, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर को कुछ हो जाता है तो हम ये डाटा जो है वो हमसे लॉस हो जाएगा। देयरफोर प्रॉपर केयर ऑफ मेंटेनिंग शुड बी टेकन सो दैट दे कैन वर्क इफिशेंटली। कि हमें कंप्यूटर का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर जो है वो अच्छे से काम कर सके। पुअर मेंटेनेंस में लेड टू योर फेलियर। अगर आप कंप्यूटर का ध्यान नहीं रखते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा। रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस में ऑल्सो हेल्प अस डिटेक्ट इशू एट एन अर्ली स्टेज एंड कीप द कंप्यूटर फंक्शनिंग वेल। कि अगर आप कंप्यूटर का रेगुलर मेंटेनिंग कर रहे हो, रेगुलर हर चीज़ का मेंटेनिंग और मेंटेनेंस वगैरह और बाकी सारी चीज़ों इशू जो आ रहे हैं उनको भी आप टेक केयर कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ही अच्छा फंक्शन करेगा। वायरसेस, मालवेयर एंड अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर कैन कॉजेस डैमेज टू द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कि वायरसेस भी हैं, मालवेयर भी हैं, बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, ताकि कंप्यूटर जो है वो वर्क करना वर्किंग जो है उसकी स्लो हो जाए किसी ना किसी तरीके से। एज अ प्रिकॉशन फॉर एग्जाम्पल इफ एंटीवायरस इज इंस्टॉल इन कंप्यूटर। कि प्रिकॉशन के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है एंड इट अपलोडेड एंड रन पीरियोडिकली, देन एनी लॉस ऑफ डाटा कैन बी प्रिवेंटेड। कि अगर आप एंटीवायरस को डाउनलोड करते हैं और उसको अपलोड करते हैं हर अपने सिस्टम में और उसको अपडेट करते रहते हो, तो आपका जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा, आप बचा सकते हो उसको। केयर एंड मेंटेन ऑफ द कंप्यूटर। ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स स्टोर कंप्यूटर। आप जानते ही हो कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। दीज फाइल्स कैन बी डीऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रैगमेंटेटेड एंड मैनी रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन ऑफ द सिस्टम। कि आप देखते ही हो कि ये जो फाइल्स होती हैं, ये जो फाइल हमारे पास पड़ी होती हैं, और इसके अलावा जब भी हम कंप्यूटर में अपनी फाइल डिलीट करते हैं या हमारी फाइल करप्टेड होनी शुरू हो जाती है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हमारा सिस्टम जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर रेगुलर मेंटेन अगर हम करते हैं और अपना इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर सिक्योरिटीज़ वगैरह और टेकिंग बैकअप लेते रहते हैं, वायरस स्कैन करते रहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है अपने कंप्यूटर को। देखो, हमें एंटीवायरस अगर डाल रहे हैं, बैकअप इज़ अ वेरी गुड फॉर थिंग। कि आप जब भी किसी चीज़ को कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो उसका बैकअप ज़रूर ले लिया करो। बैकअप आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हो, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी ले सकते हो, और हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, सीडी है, डीवीडी है, आप उसके अंदर भी अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हो। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। कि जो भी कंप्यूटर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं उनका मेंटेन होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। कि अगर आप कंप्यूटर का प्रॉपर टेक केयर करते हो, वो हर चीज़ को मेंटेन करते हो, तो कंप्यूटर की लाइफ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अ केबल
could be damage. केबल की एग्जाम्पल के तौर पर अगर केबल हमारी डैमेज हो रही थी बट इट स्टिल वर्किंग और वो स्टिल वर्किंग कर रही है, इट शुड बी रिप्लेस्ड इट टाइम. हमें उस केबल को रिप्लेस कर देना चाहिए टाइम पर ही, और रिप्लेस टू प्रिवेंट एनी फर्दर डैमेज. और कोई हमें फ्यूचर में कोई डैमेज ना हो, हमारे कंप्यूटर को डैमेज ना हो, इसलिए हमें उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए. द सी पी यू गेट्स हीटेड वाइल वॉकिंग सो देयर इज़ अ फैन टू कूल इट डाउन. कि आप जानते ही हो कि सी पी यू के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो अंदर की जो हीट है वो सी पी यू से बाहर निकाली जा सके. इट द कूलिंग फैन इज़ blocked due to dust and not repaired on replaced, it can easily catch fire. कि अगर आपका जो कूलिंग फ़ैन है वो ब्लॉक हो जाता है डस्ट की वजह से या कोई किसी और वजह से वो ख़राब हो जाता है, आप उसको रिप्लेस नहीं करते हो तो आपके सिस्टम में फायर भी हो सकता है, जल सकता है, अंदर से हीट आती है तो वो बर्न कर सकता है. तो therefore the regular inspection of the computer is required. कि आप regular computer को देखो अंदर से भी और बाहर से भी देखो कि सब okay है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो damage हो रही है तो उसको तुरंत replace कर दो. This increase the lifetime of the hardware. इस तरह से अगर हम उसका take care करते हैं तो computer की जो hardware की lifetime है वो increase कर जाती है. कुछ और फीचर्स दे रखे हैं कंप्यूटर मेंटेनिंग के लिए. तो ऑलवेज़ कीप द कंप्यूटर पार्ट क्लीन बाय वेपिंग डैम विद द डर्टी क्लोथ्स. कि सबसे पहले तो है कि आप हमेशा उसके ऊपर जो कपड़े रखे होते हैं, डर्टी क्लोथ्स रखे होते हैं, उनको वो आप हटा दो ताकि डस्ट जो है वो कंप्यूटर को ख़राब ना कर दे. कीप फूड items away from the computer. खाने की चीज़ें computer से दूर रखें. replace and repair the hardware that not functioning properly. ऐसे hardware को replace या repair कर देना चाहिए जो proper function ना कर रहे हों. antivirus को install करना चाहिए और regular update करते रहना चाहिए. take regular backup of the data. और data का regular backup भी लेना ज़रूरी है. Ensure the backup are working properly by periodically restore data. कि आप ये भी ध्यान रखें कि जो डाटा आपने बैकअप लिया है वो अच्छे से काम कर भी रहा है कि नहीं. You should use external hard drive for backup to data on the computer. आप external hard drive का use कर सकते हो backup लेने के लिए. Cable are cords should not be messed up. कि कोई भी केबल जो है वो आपकी मेस नहीं होनी चाहिए, सब प्रॉपर होना चाहिए. रिमूव अनऑथराइज सॉफ्टवेयर. कि जो सॉफ्टवेयर अनऑथराइज हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए और अपडेट कंप्यूटर एंड अपडेट ऑथराइज सॉफ्टवेयर रेगुलर. और जो ऑथराइज सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए. ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली. और हमेशा कंप्यूटर को शट डाउन प्रॉपरली करना चाहिए. तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जिनका यूज़ आप करके अपने कंप्यूटर को लाइफ टाइम थोड़ा और अच्छे से चला सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओके सो क्लीनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर. तो आप कैसे क्लीनिंग कर सकते हो. ऑलवेज स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर क्लीनिंग. कि जब भी आप कंप्यूटर को क्लीनिंग कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ करके ही क्लीनिंग कीजिए. नेक्स्ट इज़ नेवर स्पेयर क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. First spray the liquid on the tiny fair cloth and then wipe the opponent components. कि अगर आप सीधा ही कंप्यूटर के ऊपर स्प्रे मत कीजिए. जैसे आप कॉलिन का यूज़ अगर कर रहे हैं तो कॉलिन का यूज़ सीधे मत कीजिए. आप कॉलिन सबसे पहले अपने किसी क्लोथ के ऊपर उसको उसके लिक्विड को डालिए और उसके बाद उससे आप कंप्यूटर को साफ़ कीजिए. डू नॉट अलाउ द क्लीनिंग फ्लूइड टू ड्रिप नियर द सर्किट बोर्ड. सर्किट बोर्ड के सामने क्लीनिंग ड्रॉप को होना ज़रूरी नहीं है, दूर रहना चाहिए. गीला लिक्विड आपको पता है ये मशीन है, मशीन के सामने लिक्विड्स वगैरह नहीं होने चाहिए ताकि नहीं तो आपको पता ये करंट वगैरह लग सकता है. नेवर यूज़ अ रेगुलर वैक्यूम टू बिकॉज द डस्ट. कि बार बार वैक्यूम का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने डस्ट को दूर करने के लिए. ओनली यूज़ द एंटी
स्टैटिक कंप्यूटर वैक्यूम, कि आप सिर्फ जो कंप्यूटर के लिए जो बने हुए हैं एंटी स्टैटिक वैक्यूम उनका ही यूज़ कीजिए. डू नॉट अटैम्प्ट क्लीन अटैम्प्ट टू क्लीन द इनसाइड ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, कि मॉनिटर के इनसाइड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट टच एनी इंटरनल CPU कंपोनेंट, CPU के इनसाइड कंपोनेंट उनको टच करने की ज़रूरत नहीं. विदाउट वेयरिंग एनी एंटी सेफ्टी रिस्ट बैंड और यूजिंग एंटी स्टैटिक मैट, कि अगर कंप्यूटर CPU के अंदर के जो मटेरियल्स हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी हम लोग उन CPU के अंदर की जो इंटरनल है उसको तो हम जानते हैं नहीं है, तो हमको अंदर के कंपोनेंट्स को छेड़ना ज़रूरी नहीं है. और अगर छेड़ना भी हो तो आपके पास एंटी स्टैटिक रिस्ट होनी चाहिए, बैंड होना चाहिए, या फिर एंटी स्टैटिक मैट होना चाहिए. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगला है आपका कीबोर्ड. डर एंड डस्ट कैन कॉजेस डैमेज टू द कीबोर्ड, कि आपका जो डस्ट है वो किसी न किसी तरीके से कीबोर्ड को भी हार्म करता है. कीज़ ऑफ द कीबोर्ड मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ़ डस्ट एंटर देम, कि अगर उनकी कीज़ के अंदर अगर डस्ट चला जाता है तो वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. यू शुड ऑलवेज क्लीन द कीबोर्ड पीरियोडिकली, कि आपको कीबोर्ड को रेगुलर साफ करना ज़रूरी है. ऑलवेज डिसकनेक्ट द कीबोर्ड फ्रॉम द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग इट, कि आप जब भी कंप्यूटर कीबोर्ड को साफ़ कर रहे हो तो पहले उसको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से साफ़ कर सको. यू कैन क्लीन इट बाय होल्डिंग इट अपसाइड डाउन एंड शेक इट, कि आपको क्या करना है कि अगर क्लीनिंग करनी है तो उसके ऊपर को पकड़कर आप शेक कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो क्लीन इट बाय ब्लास्टिंग इट विद कंप्रेस्ड एयर, कि आप वैक्यूम का भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर हवा ब्लोर कर सकते हो. एक ब्लोर आता है, एक गैजेट आता है, उसका उसके प्रेशर से धूल मिट्टी जो है वो निकल जाती है. यूजिंग द डैब लिंट फेयर क्लोथ टू क्लीन द टॉप ऑफ द कीज़, कि आपको जो एक अच्छा साफ सुथरा क्लोथ लेना चाहिए ऊपर की कीज़ को साफ़ करने के लिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ एंटी बैक्टीरियल रिप्स टू वेपर द सरफेस ऑफ द कीबोर्ड, कि आपको एंटी बैक्टीरियल रिप्स जो है वो लेनी चाहिए ताकि कीबोर्ड्स की सरफेस जो है वो साफ़ रख सके. यू शुड नेवर स्प्रेड एनी क्लीनिंग फ्लूइड ऑफ वाटर डायरेक्टली ऑन द कीबोर्ड कीज़ ऑफ द कीबोर्ड, कि आपको सेम वही है कि जो भी आप कॉलिन का यूज़ कर रहे हो या किसी और लिक्विड का अगर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली नहीं डालना है आपको. आपको सबसे पहले क्लोथ में डालना है और उसके बाद आप उसके कीज़ के ऊपर लगा सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज़ योर मॉनिटर. टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर फर्स्ट डिसकनेक्ट इट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, कि मॉनिटर को भी क्लीन करना है तो पहले डिसकनेक्ट कर दीजिए कंप्यूटर सिस्टम से. इट नॉट ओनली लूजर द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिशियन बट ऑल्सो यूज टू सी डस्ट एंड ग्रीम ऑन द स्क्रीन मोर इजिली, कि आपको इसीलिए आपको जब भी सफाई करनी है तो सबसे पहले आप उसको सिस्टम से अलग कर दीजिए. एक तो आपको अच्छे से दिखाई भी देगा और दूसरा है रिस्क, जो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलते हालत में नहीं करना चाहिए, करंट लगने की करंट भी लग सकता है आपको. नाउ रिप द डस्ट ऑफ विद द ड्राई क्लोथ, सबसे पहले आपको क्या करना है एक ड्राई क्लोथ लेना है, उसके थ्रू आपको उसकी जो डस्ट है उसको उसके ऊपर से दूर करना है. यू कैन यूज़ अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लोथ्स, कि एक सॉफ्ट जो क्लोथ होता है उसका ही यूज़ करना है, लाइक अ कॉटन टू रिप. डू नॉट कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हीं का यूज़ कीजिए जो सॉफ्ट होते हैं. डू नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको साफ़ करते समय. सॉफ्ट हैंडेड से ही उसको सॉफ़ करना है. यू शुड नॉट स्प्रे वाटर और एंड क्लीनिंग डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, कि मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर भी आपको डायरेक्टली ना तो वाटर डालना है और ना ही कोई ऐसा लिक्विड डालना है जो कि स्क्रीन को डैमेज कर सके. स्प्रे वाटर और क्लीनिंग फ्लूइड ऑन द बोथ एंड गैंटी रैप द कंप्यूटर मॉनिटर बिफोर
स्टार्टिंग वर्क मेक श्योर दैट द मोनिटर इज़ प्रॉपरली ड्राई, कि आपको जब क्लीनिंग करने के बाद सब कुछ, अगर आपने वाटर या किसी और समथिंग का यूज़ किया है, कोई भी क्लीनिंग करने के लिए आपने स्प्रे का यूज़ किया है, तो सबसे पहले ये देख लें कि आपका मॉनिटर जो है वो ड्राई हो गया हो। डू नॉट यूज़ ब्लो ड्रायर और एनी अदर हीटिंग मैकेनिज्म टू स्पीड अप द ड्राइंग प्रोसेस, कि उसकी आप मॉनिटर को जल्दी सुखाने के चक्कर में कोई भी अदर हीटिंग डिवाइस मत लें। मतलब जैसे हम ये हेयर को ड्राई करने के लिए हम करते हैं ना, लेडीज़ करती हैं, तो उसी तरीके के इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करना है आपको। ऑप्टिकल माउस, डिसकनेक्ट द ऑप्टिकल माउस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले आपको भी मॉनिटर को माउस को भी डिसकनेक्ट, ऑप्टिकल माउस को भी डिसकनेक्ट करना है। द क्लीनिंग प्रोसेस रिक्वायर टर्निंग द माउस ओवर अ व्यू द अंडरसाइड्स ऑफ एन ऑप्शनल ऑप्टिकल माउस में बी इंश्योरेंस टू द आईज। क्लीनिंग द बटन ऑफ द ऑप्टिकल माउस विद अ क्लीन लिंट फ्री क्लोथ लेंस एरिया कैन बी क्लीन बाय द ब्लोइंग एयर और कॉटन स्वैब। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है देखिए यहाँ पर कि अगर आपको माउस को भी करना है तो पहले उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद देखो आजकल आपके ऑप्टिकल माउस जो है उनमें लेज़र्स लगी होती हैं, उसके थ्रू भी चलता है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म ना कर दे, इसलिए उससे बचना चाहिए हमें। और दूसरा है कि लेज़र वाले पोर्शंस में वो आपको गीला नहीं करना है, उसको आप उसके जो लेंस हैं वो आपको कॉटन से स्वैप करना, साफ़ करना चाहिए। और रिमूव द डस्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द साइड्स ऑफ द माउस, कि जो उसके आगे के जो एरिया होता है माउस का, उसके वहाँ से डस्ट को साफ करना ज़रूरी है। वंस द माउस इज़ क्लीन अटैच इट इनटू द कंप्यूटर, क्लीन द माउस पैड टू, कि अगर आपने माउस को क्लीन कर दिया है तो उसको दोबारा से कंप्यूटर से अटैच कर दीजिए, और माउस पैड को भी क्लीन करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिस्क ड्राइव। व्हाइल द सीडी एंड डीवीडी ड्राई इन ओपन, यूज़ कंपोज्ड एयर टू जेंटली क्लीन आउट द डस्ट, कि आप डीवीडी और सीडीज ड्राइवर जो होते हैं उनका यूज़ आप कंप्यूटर में करते ही हो, अगर उनको क्लीन करना है तो आपको कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करना पड़ेगा डस्ट को क्लीन करने के लिए। अवॉइड यूजिंग टू हाई प्रेशर ऑफ इट मे कॉजेज डैमेज इंटरनल कंपोनेंट, कि आपको जब क्लीनिंग कर रहे हो तो हाई प्रेशर नहीं डालना है उसके ऊपर, ताकि उसके अंदर के कंपोनेंट जो हैं वो डिलीट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए। यूज़ सीडी और डीवीडी लेज़र लेंस क्लीनर, कि अगर आपको उसके अंदर के सफाई करनी है तो लेज़र लेंस क्लीनर एक आता है डिवाइस, उसको यूज़ करो टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम द प्लेइंग लेंस। प्लेइंग लेंस एक अंदर एक लेंस होता है जिसके थ्रू वो रीड करता है, उस लेंस को क्लियर करने के लिए ये आपको डिवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। सीडीज एंड डीवीडीज कीप सीडी एंड डीवीडी इन प्रॉपर केयर टू प्रिवेंट देम द स्क्रैचेस, जो आपकी सीडीज होती हैं उनको भी आपका बहुत केयर ज़रूरी है कि उनके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। देखो अगर किसी सीडी या डीवीडी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो वो चलना अटक अटक के चलती है। इफ़ देयर इज़ सम डस्ट ऑन द सीडी और डीवीडी इट मे नॉट वर्क ऑल एट ऑल, कि अगर सीडी और डीवीडी के अंदर आप ऊपर आपको अगर डस्ट मिलता है तो वो प्रॉपरली चलेंगी नहीं। फिंगरप्रिंट एंड डस्ट कैन बी रिमूव्ड बाय लाइटली रबिंग विद अ क्लीन लिंट फ्री कॉटन क्लोथ, कि अगर आपके सीडीज के ऊपर फिंगर्स का प्रिंट है या डस्ट है तो उनको साफ़ करने के लिए आपको फ्री कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और ऑलवेज वेप फ्रॉम द मिडल ऑफ द एज एंड नेवर इट सर्कुलर मोशन, कि आपको जब सीडीज को साफ करना है तो सबसे पहले उसके मिडल पोर्शन से स्टार्ट करते हुए और सर्कुलर मोशन में नहीं करना है आपको। इफ़ द डस्ट इज़ हर्ड इन रिमूव यू कैन यूज़ एनी स्पेशल क्लीनिंग फ्लूइड, कि अगर जब आपने एक बार डस्ट को सीडी से रिमूव कर दिया है तो आप किसी भी क्लीनिंग
क्लीनिंग फ्लूड का यूज़ कर सकते हो डस्ट अपनी सीडीज़ को और अच्छे करने के लिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ द फ्लूड ऑन द रैप टू फॉर कॉटन एंड जेंटली रब ऑन द मीडिया. आप उसके सीडीज़ के ऊपर एक सीडी के ऊपर एक ड्रॉप डाल सकते हो, और ड्रॉप डालने के बाद आप उसको हल्का हल्का करके रब कर सकते हो. उसके बाद है आपका कैमरा. क्लीनिंग अ कैमरा लेंस नीड स्पेशल केयर टू अवॉइड स्क्रैचेस एंड अदर डैमेज. कि आपको कैमरे को भी क्लीन करने के लिए एक स्पेशल केयर चाहिए ताकि उसके जो स्क्रैचेस ना पड़ जाएं, ठीक है, वो भी डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसको स्पेशल केयर चाहिए आपकी. नेवर टच द लेंस ऑफ द कैमरा. कैमरे के लेंस को कभी टच नहीं करना चाहिए. टू रिमूव द डस्ट, अगर आप किसी डस्ट को रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ अ सॉफ्ट लेंस ब्रश. कि आपको एक सॉफ्ट लेंस ब्रश का यूज़ करना है, और सॉफ्ट ड्राई क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हो. फॉर सूटबॉर्न डस्ट यू कैन यूज़ एनी स्पेशल क्लीनिंग फ्लूड फॉर लेंस विच शुड बी फर्स्ट पुट ऑन द लिंट फ्री क्लोथ्स. कि आप अगर लेंस को क्लियर साफ करना चाहते हो तो एक फ्लूड आता है, उसका आप यूज़ कीजिए, और सबसे पहले क्लोथ में डालिए, फिर उसके बाद तब उसको साफ करने की कोशिश कीजिए. नेवर पुट द क्लीनिंग फ्लूड डायरेक्टली ऑन द लेंस. कि आप किसी भी क्लीनिंग फ्लूड को डायरेक्टली लेंस के ऊपर मत डालिए. प्रिपेयरिंग मेंटेनिंग शेड्यूल. कि आपको ये सारा काम करने के लिए एक शेड्यूल भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर इज़ अ मशीन, यू नो वेरी वेल. कंप्यूटर जो है एक मशीन है, लाइक अदर मशीन, और मशीनों की तरह ही वो एक मशीन है. रेगुलर मेंटेनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कंप्यूटर को रेगुलर अपडेट होना रेगुलर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. आप मेंटेनेंस करोगे तो ही वो प्रॉपर चलेगा. स्पेशल थिंग्स लाइक डाउनलोडिंग फाइल. आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, या क्लिकिंग ऑन द हार्मफुल साइट, या बाय एक्सीडेंटली, कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हो जो हार्म कर पहुंचा रही हो, एक्सीडेंटली आपने उस पर क्लिक किया है, या एंड ऑलवेज डज टू स्टिल ऑन द कीबोर्ड कैन बिल्ड अप द स्लो द कंप्यूटर डाउन एंड प्रॉबली रिडक्टिंग इट अनयूजली. कि आप ये सारे क्या कहते हैं कि आपके कीबोर्ड के ऊपर अगर डस्ट वगैरह रहता है, या उसमें कुछ और प्रॉब्लम आती है, स्लो डाउन हो जाता है, स्लो द कंप्यूटर डाउन, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके कीबोर्ड के थ्रू ऑपरेट हो रही है. हाउएवर बाय रनिंग एंटी मालवेयर प्रोग्राम. कि ऐसे में कुछ हो सकता है कि कोई एंटी मालवेयर प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा हो. डिलीटिंग फाइल एज नीडिड की नीडिड एंड क्लीनिंग आउट द डस्ट ऑन द कंप्यूटर. यू कैन प्रोलोंग द लाइफ स्पेयर ऑफ योर कंप्यूटर बाय ईयर एंड यूज इट इफिशिएंटली टू. कि आप उनको डिलीट कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है उनको रखने की. क्लीन कीजिए डस्ट को कंप्यूटर के ऊपर से, और ऑलवेज यू कैन प्रोलोंग द लाइफ स्पेन ऑफ योर कंप्यूटर ईयर एंड यूज़ इट. आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो आप कंप्यूटर का यूज़ जो है लाइफ लॉन्ग तक कर सकते हो. मतलब कंप्यूटर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर डस्ट, वायरस और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके थ्रू अगर आप गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है वो ख़राब हो ही जाएगा. ठीक है, दीज आर द टास्क दैट शुड बी डन एवरी डे. कि कुछ टास्क ऐसे हैं जो आपको रेगुलर करने चाहिए, चाहे मंथ में करने चाहिए और वंस कुछ ईयर में होने चाहिए नीड के हिसाब से. तो क्या है ये? डेली टेक बैकअप ऑफ योर डाटा एट लीस्ट वन पर डे. कि डाटा का बैकअप जो है कम से कम एक दिन में आपको लेना जरूरी चाहिए. रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेली फ्रॉम वायरस प्रिकॉशंस. कि आपका एंटीवायरस जो है वो डेली रन करना चाहिए ताकि वायरस से बचा जा सके. इवन इफ़ यू हैव एनी रियल टाइम प्रिवेंट टूल्स
तो अगर आपके पास रियल टाइम प्रिवेंशन टूल्स हैं सम वायरस में स्पिल इट, तो कुछ वायरस जो हैं वहाँ से भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली यू कैन यूज़ द कंप्यूटर, कि ये डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर का कितना यूज़ करते हैं. यू कैन गेट अवे बाय डूइंग दिस वंस अ वीक, कि आप इसको वंस अ वीक में करने से इसको हटा भी सकते हैं. मोर फ्रिक्वेंट कंप्यूटर यूज़र शुड डू दिस सेम डू दिस डेली, कि कुछ जो कंप्यूटर यूज़र होते हैं वो इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस में भी करते हैं. चेक फॉर अपडेट्स एवरी डे सो दैट यू डू नॉट मिस एनी क्रिटिकल अपग्रेड्स. आप अपने सॉफ्टवेयर्स का, विंडोज़ का अपडेट जो है वो रेगुलर देखें, चेक करें. अगर ऐसा ना हो कि आज की डेट में, देखो मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि अगर आप किसी चीज़ का अपडेट नहीं करते हो तो शायद जो फाइल आपको मिल रही है या कोई चीज़ है तो वो ओपन भी ना हो. तो इसका रेगुलर अपडेट करने से क्या होता है, आपके वर्जन बढ़ते हैं. मतलब कि मान लो आपका कोई फाइल सॉफ्टवेयर है वर्जन 1.2 है, अब नया वर्जन जो है वो 3.4 आ गया है, तो जो 3.4 के जो वर्जन में जो फाइल्स आएंगी शायद वो नीचे वाले वर्जन में सपोर्ट ना करती हों, तो इसलिए रेगुलर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू कैन इफ़ यू यूज़ योर कंप्यूटर फॉर मैनी आवर्स एट अ टाइम ड्यूरिंग द डे, कि अगर आप एक दिन में अपने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, दैन प्लान टू रीसेट इट एट लिस्ट वन, कम से कम उसको एक बार आपको रीसेट करने का प्लान करना ज़रूरी है. दिस वे टेम्प्रेरी फाइल विल नॉट बिल्ड अप एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर, कि तब ऐसा होगा कि आपकी जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो बिल्ड नहीं होंगी और आपके कंप्यूटर को स्लो भी नहीं करेंगी. डिलीट द इंटरनेट एंड विंडो टेम्प्रेरी फाइल फ्रॉम शट डाउन, और आपको अपनी जब भी आप शट डाउन करते हो जो टैम फाइल्स होती हैं विंडोज़ की या इंटरनेट की वो आपकी डिलीट हो जाती हैं. शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर को शट डाउन करना ज़रूरी है. मंथली यूज़ द डिफॉर्मेशन टूल टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग फास्ट एंड एफिशिएंटली, कि एक ऑप्शन है डिफॉर्मेंटेशन, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हो और एफिशिएंटली अच्छे से वो काम करे, ये भी आप कर सकते हो. ये मंथ में आपको करना चाहिए. दिस टूल पुट फाइल बैक टुगेदर दैट यू आर स्प्लिट अपार्ट टू डिफरेंट फोल्डर इन योर कंप्यूटर ओवर टाइम, कि आप काम करते समय अगर अपनी फाइल को कहीं दूसरे फोल्डर्स में अगर डाल रखा है और स्प्लिट कर रखा है तो वो उस चीज़ को सुधार देता है. स्कैन योर हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव फॉर कंप्यूटर टू मेक श्योर दीज आर नॉट फिजिकली प्रॉब्लम कॉशियस. यस, कि आपको स्कैन करना चाहिए अपने हार्ड ड्राइव को ताकि उसमें कोई भी अगर एरर वगैरह हो तो वो एरर को आप सॉर्ट कर सकें. क्लीन आउट द डिस्क ड्राइव एवरी फ्यू वीक, कि आपको अपने डिस्क ड्राइव को भी एवरी फ्यू वीक में क्लीन करना चाहिए. जैसे कि आपका डिस्क डिफॉर्मेटेशन है, ये भी एक ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप अपना कर सकते हो. कहना दीज आर द स्मॉल पीस ऑफ द ट्रश दैट क्वाइटली कम्युनिकेट ओवर टाइम, कि ये जो कमांड है इसके थ्रू भी आप अपना जो डाटा है उसको सिक्योर करके रख सकते हो और जो चाहिए वो रख सकते हो फाइल और जो नहीं चाहिए होंगे वो डिलीट कर देगा. चेक द सॉफ्टवेयर अपडेट एंड अपडेट दैम व्हेन इट रिक्वायर, कि आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ध्यान रखना चाहिए और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको अपडेट कर लेना चाहिए. और रिसाइकल बिन को हमेशा एम्प्टी कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिसाइकल बिन भी आपकी जो डिलीट की गई फाइलें हैं उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है और थोड़ी जगह भी घेरता है. फिजिकली क्लीन योर कंप्यूटर बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर, कि टू ब्लो आउट डस्ट फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ डस्ट, कि आपको फिज़िकली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर को, तो एक ब्लोअर आता है उसका यूज़ करके आप इसके अंदर के डस्ट को दूर कर सकते हो. दी स्मॉल पार्टिकल्स बिल्ड अप ओवर टाइम एंड कैन लेट द कंप्यूटर फिज़िकली ओवरहीट, कि ऐसे कुछ
ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल जो हैं कंप्यूटर के अंदर अगर आ जाते हैं और वो आपके सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो कभी कभी आपके सिस्टम को फिज़िकली ओवरहीट भी करना शुरू कर देते हैं अलॉन्ग विद प्रीसेंटिंग अदर मैकेनिकल प्रॉब्लम. और भी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो भी आ सकती हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना ज़रूरी है. ईयरली कि कुछ काम जो हम ईयरली कर सकते हैं, बैकअप योर हार्ड ड्राइव इन एन इमेज, कि आपको अपना जो हार्ड ड्राइव का बैकअप है वो इमेज के रूप में कर लेना चाहिए. इफ़ योर कंप्यूटर ओवर क्रैश, कि अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, डिलीट आपका हार्ड डिस्क आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, तो आप उनको रीइंस्टॉल कर सको. ठीक है, इट शुड बी डन ट्वाइस अ ईयर जस्ट टू बी सेफ. आप एक साल में दो बार इनका यूज़ कर सकते हो, बैकअप लेने का काम कर सकते हो. क्लीन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को हमेशा क्लीन रखें. इट गो बियॉन्ड सिंपली यूज़ कंप्रेस्ड एयर एंड एक्चुअली ओपनिंग इट अप टू गेट रिड ऑफ ऑल द स्मॉलर बिट्स एंड पीसीज ऑफ डस्ट स्ट्रक इन देयर. कि क्लीन करते समय आपको मालूम ही है, हम अभी स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाता है, तो उसको हम ब्लोर कर सकते हैं. तो उसके लिए आप कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपके सिस्टम से दूर हो जाएं. रिन्यू द एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन. और सबसे इम्पॉर्टेंट, एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक साल का ही होता है, तो उसको आपको हर न्यू जब भी ख़त्म हो जाए तो उसको आपको अपडेट कर लेना, मतलब कि नया वाला सब्सक्राइब्रेशन ले लेना चाहिए, नई लाइसेंस की ले लेनी चाहिए as needed. Uninstall program that you do not use anymore at a free up space. कि सबसे important है कि अगर जिस सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम का आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें ताकि आपके पास कुछ और स्पेस मिल जाए. प्रैक्टिकल प्रैक्टिस स्पेस सेफ ब्राउज़र बाय नॉट डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम और स्पेंडिंग टाइम ऑन वेबसाइट यू आर नॉट फैमिलियर विद और अवॉइड विजिटिंग साइट्स दैट मे बी अनट्रस्टेड वर्ड सिंस दिस इज हाउ पीपल जनरली गेट मालवेयर. कि इन्होंने ये कहा है कि आपको उन साइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उन विजिट्स नहीं करना चाहिए, और अनट्रस्ट जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है जिन साइट्स के ऊपर उसको भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए. ऐसे लिंक्स पे भी क्लिक नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो. और ऐसी भी हैं साइट जो आपके साथ आपको पता भी नहीं चलेगा वो फ्रॉड कर सकते हैं, तो दूर रहना चाहिए. और कोई भी डाउनलोड लिंक अगर मिलता है आपको तो उसको ऐसे ही क्लिक नहीं कर देना चाहिए कि हाँ चलो क्लिक कर देते हैं. जैसे कि कई बार आपको मालूम ही है फ्लैश आउट्स होते हैं लिंक्स, कि आप इस पर क्लिक कीजिए आपको आप एक आईपॉड जीत सकते हो, आईफोन जीत सकते हो, तो हम उन चक्रों में ना पड़े तो अच्छा ही होगा. चेंज पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एज अ जर्नल प्रिवेंट मीन मेजर अगेंस्ट हैकर्स. कि आपको अपना पासवर्ड जो है वो रेगुलर बेसिस में या वीकली आपको चेंज करते रहना चाहिए ताकि हैकर्स जो हैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सकें. मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज़ प्लग्ड इज़ प्रॉपरली एंड गेट अप द सेफ वे. कि आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जो कंप्यूटर हैं वो प्लग प्रॉपरली हैं और सेफ वे से चल रहे हैं. नो वायर शुड बी लूज एंड हैंगिंग अराउंड नियर एनी अदर हीट सोर्स. कि आपको ये ध्यान ज़रूरी रखना है कि आपकी कोई भी ऐसी वायर जो है वो हैंग ना कर रही हो अदर वायर के साथ, ताकि कोई भी उसको सोर्स ऑफ हीट ना मिले, ताकि आपका कंप्यूटर बचा रहे किसी ना किसी तरीके से. नाउ नेक्स्ट इज़ योर कंप्यूटर वायरसेस. इसके बारे में तो आपको पता ही है वायरसेस होते क्या हैं, आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं. वायरस की फुल फॉर्म है वेक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज. अ कंप्यूटर वायरस इज सिंपली टू द बायोलॉजिकल वायरस. कि कंप्यूटर वायरस जो है एक तरह का बायोलॉजिकल वायरस ही है. व्हेन अ बायोलॉजिकल वायरस अटैक यू इट मेक यू फील सिक. कि अगर आपके ऊपर बायोलॉजिकल वायरस आता है, आपको अटैक करता है आपके ऊपर, तो आप अनहेल्दी फील करते हो. इट डिस्टर्ब अप यू फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली एंड
often require something powerful to get right from of it. कि जब biological virus जो हैं आपके ऊपर attack करते हैं तो आपको आपकी body जो है कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं उनको, मतलब मेडिसिन खाओगे, कुछ अच्छा फ्रूट्स वगैरह लोगे तो वो आपके बॉडी से चले जाते हैं. इसी तरीके से कंप्यूटर भी है. कंप्यूटर वायरस जो है वो इसी तरीके से है कि वो आपके कंप्यूटर में अगर आ जाता है तो वो आपके कंप्यूटर को धीरे धीरे उनके प्रोग्राम्स को, उनकी फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर देता है, इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है. और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा. कि सबसे पहले है थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर वायरसेस आर देयर. बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो आज की डेट में हैं इंटरनेट के थ्रू, वो कभी भी आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं. तो ऑलमोस्ट एवरीडे और न्यू वायरस और जो न्यू वायरसेस जो हैं वो रेडी भी हो रहे हैं. वो आपको मतलब वायरस से एक प्रोग्रामिंग है, तो कुछ लोग वायरसेस बनाते रहते हैं और कुछ लोग उनको अप्लाई भी करते हैं. तो आजकल डेली लाइफ में, डेली पर्पस में आपको बहुत सारे वायरसेस मिल जाएंगे. अ वायरस, ए कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और स्पेयर ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज. कि वायरस जो है एक प्रोग्राम है, पीस ऑफ कोड है जो कि आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा आपकी नॉलेज के बिना. क्योंकि देखिए ये वायरस जो है वो कोई भी अटैचमेंट फाइल के साथ आ सकता है, आप इंटरनेट के थ्रू कोई डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है. और जब भी आप अपनी फाइल को रन करोगे तो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. अ कंप्यूटर वायरस कैन ईजिली अटैच इट्सेल्फ टू द अदर फाइल और प्रोग्राम. कि कंप्यूटर वायरस जो है वो बहुत ईजिली अटैच हो जाते हैं आपके फाइल्स और प्रोग्राम के साथ. द डाटा ऑन द कंप्यूटर कैन बी इरेज्ड और करप्टेड बाय द वायरस प्रिवेंट इन द कंप्यूटर. वायरस के लिए, वायरस जो आ जाता है कंप्यूटर के अंदर तो वो आपकी फाइल को ईजिली करप्ट कर देते हैं ताकि वो फाइल ओपन ही ना हो. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ए वायरस में और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव. कि जो वायरस जो हैं वो आपको आपके कंप्यूटर को ख़राब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. लेकिन मोस्टली जो हैं वायरस तभी कंप्यूटर को ख़राब करते हैं अगर उनको सोर्स कहीं से मिलता रहे. Until the computer is shut down, most viruses stay active. कि आपके computer shut down होने के बाद भी कुछ viruses ऐसे होते हैं जो active रहते हैं. On shutdown, the computer, the virus is removed from the memory. और कुछ virus ऐसे भी होते हैं जो computer के shutdown होने पर computer की memory से delete भी हो जाते हैं. And for the infected file and program, कि जो कंप्यूटर्स कहते हैं, यहाँ लिखा है ना, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर रिमूव फ्रॉम द मेमोरी फ्रॉम द कंप्यूटर बट नॉट फ्रॉम इन्फेक्टेड फाइल एंड प्रोग्राम. मतलब कि वैसे वो रिमूव हो जाते हैं मेमोरी से, लेकिन जिन फाइलों को उन्होंने करप्ट कर रखा होगा या जिन प्रोग्राम को उन्होंने करप्ट कर रखा वहाँ से वो करप्ट नहीं होते हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस अटैक एंड स्प्रेड. कि किस तरह से कंप्यूटर वायरस जो है वो अटैक करता है. तो अटैक करने के लिए उसके पास देखो क्या है, बहुत साधन है. मैंने आपको पहले ही बताया, आप इंटरनेट, सबसे पहले तो इंटरनेट ही है. इंटरनेट एक मेजर सोर्स है जहाँ से कंप्यूटर वायरस आता है. इसके अलावा जब कि आप जब भी कंप्यूटर में आप ब्राउजिंग करते हैं, किसी अनऑफिशियल लिंक पे क्लिक करते हैं या कोई म्यूज़िक फाइल डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है देखिए, शेयरिंग म्यूज़िक फाइल फ़ोटोज़ एंड अदर यूज़र विजिट ऑन इन्फेक्टेड वेबसाइट्स ओपन एन ई स्पैम ईमेल्स एंड ईमेल अटैचमेंट. देखिए जितने नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू वायरस आता ही है. या डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलता है गेम खेलने का या मीडिया प्ले करने का या कुछ और यूटिलिटी मिलते हैं उनके थ्रू भी वायरसेस आ जाते हैं. इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट थ्रू. कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं और आपने उनके टर्म्स और कंडीशन नहीं पढ़ी हैं तो भी वायरसेस आ जाते हैं. समटाइम पैन ड्राइव सीडी डीवीडीज के थ्रू भी वायरसेस आ जाते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, इन बीच में ईमेल्स आ रही हैं, वेबसाइट्स हैं, रिमूवेबल डिस्क हैं, तो वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा ही आएगा. वंस अ वायरस हैज सक्सेसफुली अटैच टू द प्रोग्राम. अगर एक बार वायरस जो है वो सक्सेसफुली अटैच हो जाता है प्रोग्राम में, फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो हमेशा रहता है.
और इनफैक्ट और फाइल को इन्फेक्ट करता रहता है और प्रोग्राम को रन होने से रोकता है. द वायरस स्टार्ट डैमेजिंग और इफेक्टिंग ए कंप्यूटर व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल्स और प्रोग्राम इज एक्यूरेटेड ऑन द एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर. कि जब भी वायरस जो है वो डैमेज करता तो है कंप्यूटर को, लेकिन वो तब करता है जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो ना, तब आपके कंप्यूटर को तब वो कंप्यूटर को हार्म करना शुरू कर देता है. मतलब जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करोगे तो वो वायरस जो है वो ट्रिगर नहीं होगा. तो जैसे ही आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, ट्रिगर कर दिया, फाइल को ओपन कर दिया, तो वो वायरस भी ट्रिगर हो जाता है और वो आपके कंप्यूटर में फैलना शुरू हो जाता है. दिस मीन दैट द वायरस कैन रिमेन इनएक्टिव ऑन योर कंप्यूटर विदाउट शोइंग मेजर साइन ऑफ द सिम्टम. कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वायरस जो है वो रिमेन इनएक्टिव रहता है आपके कंप्यूटर में अगर आप उसका कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएगा. वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आता है वो तभी आपको शो होगा जब काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपका फाइल जो है वो ओपन नहीं होगी, आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो कमांड्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगी. इट मीन्स दैट आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है. वंस द वायरस इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, द वायरस कैन इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर ऑन अ सेम नेटवर्क. कि अगर आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उस नेटवर्क के साथ अगर और भी कंप्यूटर जुड़ रखे होंगे तो वो सबको इन्फेक्ट कर देगा. द वायरस कैन इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर बाय द सेम नेटवर्क. इट कैन बी हार्म बाय द स्टीलिंग पासवर्ड और डाटा, लॉकिंग की स्ट्रोक, करप्ट फाइल, स्पैमिंग ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. कि आपकी जो फाइल्स होती हैं वो हार्म होंगी, वो पासवर्ड को स्टील कर सकता है, डाटा को स्टील कर सकता है, लॉगिन कीज़ हैं उसको स्टील कर सकता है, करप्ट फाइल कर सकता है, आपकी स्पैमिंग ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं. इन सब के थ्रू आपको वायरसेस आते ही हैं और इन्फेक्टेड होता ही है. वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू द ईमेल, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के साथ अटैचमेंट फाइल के थ्रू आता है, इंटरनेट फाइल डाउनलोड करने से आता है, सोशल मीडिया स्पैम लिंक के थ्रू भी आ जाता है वायरस, या कोई आप कोई किसी अटैचमेंट फनी इमेज को देख रहे हो उसके थ्रू भी आ सकता है, ग्रीटिंग कार्ड के थ्रू भी आ जाता है, ऑडियो वीडियो हर किसी फाइल के साथ अगर कोई फाइल अटैच हो रखी है तो उसके थ्रू आपका वायरस कंप्यूटर के अंदर आ ही जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है लेकिन अच्छे से आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना है. ओके, थैंक यू.